और उसको हम रन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम आज प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू रन अ C++। गाइस वैसे तो बहुत सारे एडिटर्स हैं जिसमें हम C++ का प्रोग्राम कर सकते हैं। वन ऑफ द ट्रेडिशनल एडिटर इज दैट टर्बो C++, ओके, जिसमें ब्लू कलर का विंडो आता है और उसमें हम सी का प्रोग्रामिंग या फिर C++ का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे IDE आए, IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट का मतलब है कि हमें वहां पे ऐसे बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे जिसका यूज करके हम C++ का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ओके। वैसा ही एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम ये सेमिस्टर में पूरे हम हमारे प्रोग्राम्स जो भी है C++ के वो उसके अंदर परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए गाइस हमारे पास देव C++ करके एक एप्लीकेशन है, उसको हमें हमारे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि हम देव C++ करके एक एप्लीकेशन है उसका यूज यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में वो देव C++ इंस्टॉल होना जरूरी है। वो देव C++ का आइकॉन जो है वो कुछ इस तरीके से आपके कंप्यूटर में दिखेगा, लाइक दिस, ओके। ये जो आइकॉन आप देख रहे हो ये आइकॉन वहां पे आपके इसमें होना चाहिए। अब इसको हमें डबल क्लिक करके ऑन करना है। नाउ इस तरीके से एक विंडो आपके पास आएगा, देव C++ 5.1.1, ये एप्लीकेशन आपके वहां पे आपके पास आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट प्रोग्राम। सो फाइल, सबसे पहले आपको जाना है फाइल के अंदर, यहां से आपको क्लिक करना है न्यू के ऊपर, और न्यू के ऊपर आने के बाद सोर्स फाइल। फिलहाल हम सोर्स फाइल पे ध्यान देते हैं, सोर्स फाइल पे आपको क्लिक करना है। सोर्स फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक untitled1 ये एक फाइल यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सो फाइल में जाना है और इसको सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एज। सेव एज पे क्लिक करने के बाद ये आपको पूछेगा कि आपको कहाँ पे उसको सेव करना है। आप अपने किसी भी लोकल मशीन के किसी भी ड्राइव पे इसको सेव कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक फोल्डर वहां पे बनाया हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं first.cpp। याद रहे कि आपके फाइल का एक्सटेंशन .cpp होना वहां पे बहुत जरूरी है, क्योंकि आप C++ का वहां पे प्रोग्राम करने जा रहे हो। सो first.cpp ये आपका वहां पे होना जरूरी है। नाउ इस पे हम क्लिक करते हैं सेव के ऊपर। सेव करने के बाद कुछ इस तरीके से ब्लैंक विंडो आपके पास आ जाएगा। नाउ पहला प्रोग्राम हम यहाँ पे टाइप करते हैं। सो सबसे पहले #include iostream, ओके, ये पहला लाइन हमारे प्रोग्राम में होगा, #include iostream। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे using namespace std। मैं हर लाइन के बारे में आपको समझा दूंगा कि एक्चुअली है क्या। और इसके बाद आता है आपका int main, ओके, और यहाँ पे हम सीधा मैसेज लिखेंगे cout hello world, ओके गाइस। तो सबसे पहले बस इतना एक ही प्रोग्राम है जो हमें यहाँ पे लिखना है। नाउ वन बाय वन अभी ये जो कोडिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वन सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फॉन्ट कैसे बढ़ाते हैं वो बता देता हूँ। तो टूल्स, एडिटर ऑप्शन, और एडिटर ऑप्शन के अंदर ये फॉन्ट्स, ये थोड़ा सा फॉन्ट्स मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। ओके नाउ ठीक है, आप ठीक है। नाउ अभी देखिए गाइस ये पहला प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ वन बाय वन ये लाइन को समझते हैं कि कौन सा लाइन किस काम के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरली जब भी हम C++ का प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज हेडर फाइल, ओके, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ #include iostream.h, सो दिस इज कॉल्ड एज हेडर फाइल। हेडर फाइल का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो पहले से डिफाइन है, उनको हमें यूज करना है। तो अगर उनको हमें यूज करना है तो सबसे पहले हमें वो फाइल वहां पे लेनी पड़ती है।
ओके जैसे अगर आपको किसी चीज का, अगर मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला कि मैथ के कुछ फॉर्मूले आपको ढूंढना है, तो आप पहले लाइब्रेरी में जाके एक मैथ की बुक उठाओगे। सेम यहाँ पे सी प्लस प्लस का एक खुद का एक लाइब्रेरी होता है, और लाइब्रेरी के अंदर कुछ फाइल्स होती है जिसमें हमें जो चीजें प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करना है वो चीजें वहां पर डिफाइन की रहती है। तो ये बेसिक फाइल है हर प्रोग्राम में सी प्लस प्लस के, आपके ये फाइल लगेगा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ओके आयो स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। देखिए जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कुछ इनपुट लेना पड़ता है और कुछ प्रोसेस होने के बाद उसका आउटपुट डिस्प्ले करना पड़ता है। तो हमें इनपुट लेने के लिए जो चीज यूज करनी है वो, और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जो चीज यूज करना है वो इस हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइन है। इसलिए अगर हमें वो चीजें यूज करनी है तो हमें सबसे पहले ये यहाँ पे लेना पड़ेगा। लाइक उसी तरीके से यूजिंग नेम स्पेस का मतलब होता है, यहाँ पे एसटीडी नाम का एक नेम स्पेस है। नेम स्पेस का मतलब होता है एक्चुअली इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस जो पहले से प्रीडिफाइन है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला वैसी है प्रीडिफाइन। ओके मतलब यहाँ पे नेम स्पेस का मतलब होता है एक्चुअली ग्रुप ऑफ क्लासेस जिसके अंदर प्रीडिफाइंड क्लासेस है जिसका हम यूज करने वाले हैं। तो एसटीडी नाम का एक बाय डिफॉल्ट क्लास है वो हमें यहाँ पे यूज करना है। ये हर प्रोग्राम में सी प्लस प्लस के अंदर आपको लगेगा। सो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसका मतलब क्या है कि भाई ये क्लास हमारे प्रोग्राम में ले लो ताकि इस क्लास के जितनी भी ऑब्जेक्ट है हम वहां पे यूज कर सके, है ना। जब तक कि किसी चीज का हमें परमिशन नहीं मिलता तब वो चीज यूज नहीं कर सकते। रियल लाइफ में भी देखो, अगर आप किसी एप्लीकेशन का प्रीमियम वर्जन या फिर पेड वर्जन नहीं लेते तो उसके कुछ फीचर्स आप यूज नहीं कर पाते। सेम यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे ये क्लासेस वहां पे नहीं लेंगे तो आपको ये कुछ कंसेप्ट है आप यूज नहीं कर सकते हमारे प्रोग्राम के अंदर। सो सिंपल थिंग है, अगर आपको कुछ यूज करना है तो उसके लिए आपको ये वहां पे लेना है। नाउ इंटीजर मेन, अब देखिए किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना, अभी एग्जीक्यूशन करना मतलब क्या करना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हमारा प्रोग्राम ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वर्ड्स है, इसको कंप्यूटर को काम देना है तो कंप्यूटर ये लैंग्वेज नहीं समझेगा, तो इसको हमें कंपाइल करना पड़ता है। इसका मतलब है इस कोड को हमें सोर्स कोड से मशीन कोड में ट्रांसफर करना पड़ता है जिसके लिए कंपाइलर वहां पे यूज होता है। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके कि कंपाइलर काम कहां से शुरू करेगा, किसी चीज का एक मतलब शुरुआत जरूर होती है ना, स्टार्ट जरूर होता है, बिना स्टार्ट के कोई चीज नहीं होती है। तो ये प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है कि एक्चुअली प्रोग्राम कहां से शुरू होगा, तो ये बताने के लिए यहाँ पे ये मेन फंक्शन होता है जो सी प्लस प्लस के हर प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से कंपाइलर लाइन को रीड करना शुरू करता है कि कौन सी लाइन मुझे रीड करनी है। सो दिस इज अ मेन फंक्शन, इसके लिए उसका नाम रखा गया है मेन फंक्शन। इसके पहले INT लिखना कंपलसरी है। अब आपको याद आ रहा होगा INT का मतलब इंटीजर, जो हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा डेटा टाइप्स के अंदर। तो ये यहाँ पे INT क्यों लिखते हैं, तो जनरली मेन फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न होती है और वो वैल्यू इंटीजर टाइप की होती है। सो बाय डिफॉल्ट मेन फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू। ये रिटर्न कैसे होता है, क्या होता है, हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको लिखना है INT, दैट इज इंट मेन। ओके और फिर जितना भी आपका कोडिंग होगा, दिस इज ओपन करली ब्रैकेट और दिस इज क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ये होते हैं पैरेंथेसिस जो आपके हर फंक्शन के बाद, इसको फंक्शन कहेंगे हम, मेन फंक्शन। ओके और ये ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट विच आर इंडिकेट दैट दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूर मेन फंक्शन एंड दिस इज अ एंडिंग पॉइंट ऑफ यूर मेन फंक्शन, और इन दोनों के बीच में जो कोडिंग आपको लिखना है दिस इज अ पार्ट ऑफ मेन फंक्शन। समझ में आया। सो बेसिकली ये C++ का एक स्ट्रक्चर है, हर प्रोग्राम आपको इसमें ही लिखना है। ओके तो बेसिकली हर प्रोग्राम आपको उसमें ही लिखना है। तो हर लाइन यहाँ पे आएगी जितना भी आपको कोडिंग करना है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये पांचों लाइनें आपकी कंपलसरी हर प्रोग्राम में रहेंगी। फिर बदलेगा क्या, तो इन बीच का कोडिंग, दैट इज ये। तो जनरली जो पहला प्रोग्राम है जिसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड मैसेज वहां पे प्रिंट करेंगे, तो हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करने के लिए अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे लिखा है सी आउट। सी आउट का मतलब है कंसोल आउटपुट।
कंसोल आउटपुट। ओके, तो जनरली सी प्लस प्लस में अगर मुझे कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है मॉनिटर के ऊपर, तो उसके लिए कंसोल के ऊपर, इन शॉर्ट अगर हम बोले तो कंसोल के ऊपर, सो इसके लिए सी आउट करके एक कंसेप्ट है। सी का मतलब है कंसोल, आउट का मतलब है आउटपुट, तो इनको आउटपुट को ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए सी आउट करके एक कंसेप्ट है। आपको हर मैसेज प्रिंट करने के लिए इसको यूज करना पड़ेगा। तो सी आउट, ये जो ऑपरेटर आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर का मतलब है इसके राइट साइड में डबल कोटेशन के अंदर जो भी कोडिंग हमने लिखा हुआ है उसको इंसर्ट करे। कहां पे इंसर्ट करे? कंसोल आउटपुट के अंदर, और फिर जाके वो मैसेज आपका कंसोल विंडो पे आ जाएगा, जिसको हम कंसोल आउटपुट विंडो कहते हैं। सो सी आउट, दैट इज अ कंसोल आउटपुट, एंड सी आउट इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट विच इज लोकेटेड इन एसटीडी क्लास, विच इज लोकेटेड इन एसटीडी क्लास, इसलिए हमें एसटीडी क्लास वहां पे लेना पड़ता है। सो सी आउट हेलो वर्ल्ड। नाउ गाइज, ये तो हो गया वन बाय वन आपको प्रोग्राम कहाँ पे लिखना है, कैसे हमने लिखा। नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम, इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे एंड हम आउटपुट कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए देव सी प्लस प्लस में यहाँ पे ऑप्शन है, और एग्जीक्यूट एक मेनू है, एग्जीक्यूट मेनू। एग्जीक्यूट मेनू के ऊपर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा कंपाइल, जो कि शॉर्टकट की है, आप डायरेक्टली F9 भी प्रेस कर सकते हो। तो F9 प्रेस करने के लिए सपोज मान लीजिएगा मैंने F9 प्रेस किया, ओके, नाउ प्रोसेस इज कंटिन्यू और वो कंपाइलर यहाँ पे अपना काम कर रहा है। अगर उसमें कुछ एरर नहीं आती है तो वहां पे वो मैसेजेस देगा, और एरर भी आती है तो भी मैसेजेस देगा, ठीक है। नाउ सी दिस, हो गया कंपाइलेशन सक्सेस। सो कंपाइलेशन रिजल्ट, एरर जीरो, वार्निंग्स जीरो, ओके, मतलब हमारे प्रोग्राम में अब कोई दिक्कत है नहीं, हम उसको अभी एग्जीक्यूट कर सकते, रन कर सकते। सो कंपाइल करने के बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास रन, जिसका शॉर्टकट की है F10। सो रन के ऊपर क्लिक करो, रन करने के बाद इमीडिएटली एक ब्लैक कलर का विंडो आपके सामने ओपन होगा, जिसके ऊपर आपका आउटपुट आएगा, दैट इज हेलो वर्ल्ड। हियर इज योर आउटपुट, दैट इज हेलो वर्ल्ड, ओके। सो गाइज, इस तरीके से आपका जो आउटपुट है ये यहां पे आता है। नाउ ये हो गया आपका सक्सेसफुल फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने यहां पे देखा, ओके। रिपीट करते हैं कि हमने इस प्रोग्राम को कैसे परफॉर्म किया। सबसे पहले हमने इस कोडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देव सी प्लस प्लस आपको स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद एक विंडो आएगा, आपको नया फाइल शुरू करना है, फाइल न्यू सोर्स फाइल। नाउ यू हैव टू सेव इट, सो फाइल में जाके सेव एज, सेव एज में जो भी आपको नाम देना है, मैं untitled1.cpp रखता हूं, उसको सेव कर लेता। और फिर यहाँ पे जो भी कोडिंग आपको लिखना है वो कुछ इस तरीके से आपको वहां पे मेंशन करना है, राइट योर कोडिंग। कोडिंग लिखने के बाद फिर इमीडिएटली आप इसको वापस चेंज किए तो उसको सेव करना ना भूले, क्योंकि जो भी हम चेंजेस करते हैं उसको सेव करने की जरूरत होती है। नाउ इसको रन कैसे करें? सो टूल्स के अंदर, सॉरी एग्जीक्यूट्स के अंदर कंपाइल करके ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन मर्ज कर सकते हैं, कंपाइल एंड रन। डायरेक्टली F11 प्रेस कीजिए, ये प्रोग्राम कंपाइल एंड एज वेल एज रन भी हो जाएगा। यू विल गेट द आउटपुट ऑन अ कंसोल विंडो, दैट इज डॉस बेस्ड विंडो, ठीक है गाइस। नाउ हमने ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। नाउ हमने वेरिएबल का कंसेप्ट देखा था, जिसमें हमने वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है वो सिंटैक्स सारे देख लिए थियोरेटिकली। नाउ प्रैक्टिकली हम उसको यूज करेंगे कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल एंड उसको वैल्यू कैसे हम वहां पे स्टोर करेंगे। नाउ आई वॉन्ट टू स्टोर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो रोल नंबर होता है इंटीजर, उसके लिए मुझे INT वेरिएबल लगेगा। सो INT रोल नंबर, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया, INT रोल नंबर, ओके। उसके बाद मुझे रोल नंबर को कुछ वैल्यू असाइन करनी है, सो रोल नंबर इज इक्वल टू 125। आई हैव प्रोवाइड दिस वैल्यू टू पर्टिकुलर वेरिएबल, रोल नंबर इज इक्वल टू 125। सो इस चीज को हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट, इस चीज को क्या कहेंगे हम? असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसके जरिए हम रोल नंबर जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है उसको 125 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। नाउ हाउ टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो उसके लिए आपको लिखना है सी आउट
अब आपको वहां पे मेंशन करना है रोल नंबर, ये मैसेज है आप किस तरीके से भी लिख सकते हो रोल नंबर, और यहाँ पे अगेन आपको वहां पे इंसर्शन ऑपरेटर देना है एंड पुट योर वेरिएबल नेम हियर। अब यहाँ पे वेरिएबल नेम जो आप पुट कर रहे हो तो यहाँ पे रोल नंबर ये नहीं प्रिंट होगा, इसके अंदर का वैल्यू प्रिंट होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था वेरिएबल नेम विच इज यूज टू पॉइंट अ मेमोरी लोकेशन, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रेफर करने के लिए, उसकी वैल्यू को रेफर करने के लिए हम यूज वहां पे करते हैं ना। जैसे हमारा नाम होता है पर्टिकुलर नाम, तो हम नेम मतलब क्या, वो हमें आइडेंटिफाई कर रहा है। सो रोल नंबर इसका मतलब है कि हम क्या वैल्यू एक्सेस करने जा रहे हैं, उसकी वैल्यू एक्सेस करने जा रहे हैं जो भी वैल्यू होगा। सो इस तरीके से ये वैल्यू वहां पे आएगा। नाउ अगेन हम उसको सेव करते हैं, चेंजेस किए, इसलिए सेव करने के बाद आपको उसको वापस से कंपाइल एंड रन करना है, देन यू विल गेट द आउटपुट। सी दिस आउटपुट वहां पे आ जाएगा रोल नंबर इज इक्वल टू 125। ठीक है, इस तरीके से वो आउटपुट वहां पे आ जाएगा। नाउ सो दिस इज अ बेसिक प्रोग्राम जिसके अंदर हमने वहां पे प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे रन करना है, ये सारी चीजें हमने यहां पे देख ली। यू विल गेट द आउटपुट। ओके, नाउ सपोज आई वॉन्ट टू डिक्लेयर मोर वेरिएबल्स। नाउ ये हो गया इंटीजर, नाउ आई एम गोइंग टू डिक्लेयर फ्लोट एवरेज। फ्लोट एवरेज जो तीनों डेटा टाइप बेसिकली मैंने आपको सिखाया वो कैरेक्टर ग्रेड। ओके, इस तरीके से तो ये हो गया डिक्लेरेशन। तीनों स्टेटमेंट के ऊपर हमने डिक्लेरेशन किया, मतलब हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक इंटीजर वेरिएबल लिया, दूसरा फ्लोट वेरिएबल लिया, तीसरा कैरेक्टर वेरिएबल लिया। अब ये तीनों को अगर मुझे वैल्यू देना है, सो फ्लोट इज इक्वल टू, सॉरी एवरेज नाम है वहां पे, सो एवीजी इज इक्वल टू 60.72। ओके, और हर स्टेटमेंट सेमीकॉलन से एंड करना है, और उसके बाद ग्रेड, ग्रेड इज इक्वल टू ए ग्रेड। ठीक है, नाउ लुक एट हियर, जब मैं नंबर असाइन कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली असाइन कर रहा हूं 125, 65.72, बट व्हेनेवर आई असाइन अ कैरेक्टर इट शुड बी राइट इन अ सिंगल कोटेशन मार्क, क्योंकि वो कैरेक्टर वैल्यू है, अल्फाबेट्स है। तो जब भी आप कैरेक्टर वैल्यू वहां पे यूज करना चाहोगे तो आपको कभी भी सिंगल कोटेशन मार्क में वो वैल्यू लिखनी है। जब आप सिंगल कोटेशन में वो वैल्यू लिखते हैं तो वो कैरेक्टर कंसिडर होता है। इवन यू राइट अ नंबर बिटवीन दैट टू सिंबल्स, दैट इज कोटेशन, सिंगल कोटेशन मार्क, देन नंबर ऑल्सो कंसिडर एज अ कैरेक्टर। ओके, समझ में आया कंसेप्ट? मतलब जब भी आप सिंगल कोटेशन मार्क में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब भी कोई कैरेक्टर आप लिखोगे, कोई वैल्यू आप लिखोगे, इट विल बी कंसिडर एज अ कैरेक्टर। और एक कैरेक्टर है क्योंकि बिकॉज टाइप ऑफ कैर, टाइप ऑफ कैर मतलब ये कैरेक्टर हो गया। फ्लोट मतलब नंबर जिसमें पॉइंट वाला नंबर आएगा, लुक एट हियर 65.72, एंड रोल नंबर इज अ इंटीजर वैल्यू दैट इज 125। सो इस तरीके से तीनों टाइप की वैल्यू हमने यहाँ पे एक्सेस कर ली, क्योंकि बेसिकली ये तीन मेन है। हाँ, इनमें फर्दर आगे और क्लासिफिकेशन जरूर है, लेकिन मेन कितने हैं, ये तीन है। अगर आपका यह तीन पे कमांड अच्छे तरीके से हो जाता है तो जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, लेटर ऑन मैं इनको एलेबोरेट करूंगा कि इंटीजर को और कितना क्लासिफिकेशन है, फ्लोट में और कितने क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से। तो फिलहाल ये तीन पे आपको ध्यान देना है। सो हियर आई एम डिक्लेयरिंग थ्री वेरिएबल्स, दैट इज इंटीजर रोल नंबर, फ्लोट एवरेज एंड कैरेक्टर ग्रेड। तीनों को मेमोरी रिजर्व किया, अलोकेट किया, फिर उसमें हमने वैल्यू को असाइन किया। अब वैल्यू असाइन तो कर ली, अभी तीनों वैल्यू आपको प्रिंट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट अनादर वैल्यू, सो यू हैव टू राइट अनादर सी आउट हियर। सो रोल नंबर मैंने डिस्प्ले किया है, नाउ एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे लिखना है एवीजी। ओके, अगेन ग्रेड सपोज मुझे प्रिंट करना है, सी आउट ग्रेड इज इक्वल टू, वेरिएबल का नेम है ग्रेड। ओके, जब भी आप वेरिएबल का नेम लिखोगे तो हमेशा याद रखना है कि जो मैंने पहले यूज किया है वही बाद में यूज होना चाहिए, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जो जैसे आपने यहाँ पे लिखा होगा वैसे आपको हर पूरे प्रोग्राम में उसको फॉलोअप करना है, क्योंकि वंस यू डिसाइड यूर नेम यू कैनॉट चेंज।
एक बार अपने माँ बाप ने आपको आपका नाम दे दिया तो बाद में आप उसको उसी नाम से आप जाने जाते हो, सेम टू सेम, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। सही उसी तरीके से यहाँ पे वंस यू डिसाइड ए वेरिएबल नेम, सबसे पहले जब आपने उसको डिक्लेयर किया तो डिक्लेयर करने के बाद हर जगह पे वही वेरिएबल नेम आपको यूज करना है। तो गाइस ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, तीनों को वैल्यू असाइन किया और एज वेल एज तीनों की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट किया। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट हियर, पहले सेव कर लेते हैं ताकि हमने उसमें चेंजेस किए हुए हैं, सो सेव। सेव करने के बाद हम उसको रन करते हैं। नाउ ठीक है, ये यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अभी अगर आपने मैंने उसको व्हाइट में देखा होगा, आपको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे सीरीज, ये हो गया आपका आउटपुट, रोल नंबर 125, एवरेज 65, ग्रेड ए। बट अगर आप देख पा रहे हो तो वो तीनों आपके एक ही लाइन पे आ गए हैं, तीनों एक ही लाइन पे आ गए हैं। तो अगर आपको हर एक लाइन अलग अलग लाइन पे प्रिंट करनी है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, बिफोर प्रिंटिंग अ लाइन यू शुड राइट /n। /n का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, C++ के अंदर होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, ये सी से C++ में आया है। सो /n न्यू लाइन कैरेक्टर। सपोज व्हेन यू वांट टू प्रिंट यूर टेक्स्ट ऑन अ सेपरेट लाइन देन यू कैन मेंशन /n बिफोर द लाइन, बिफोर द मैसेज। तो हर लाइन के पहले मैं /n वहां पर एड कर देता हूं ताकि मुझे मेरा हर वैल्यू की हर वेरिएबल की वैल्यू सेपरेट लाइन पे मिले। अगेन मैंने चेंजेस किए इसलिए मैं सेव कर लेता हूं। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, कंपाइल एंड रन। नाउ सी दिस, यू विल गेट द आउटपुट ऑन अ सेपरेट लाइन हियर, रोल नंबर 125, एवरेज 60.72, ग्रेड ए। सो समझ में आ गाइस, इस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यू वाइल प्रोसेसिंग। जब भी आपका प्रोग्राम प्रोसेस होगा, आपको प्रोग्राम में अगर कुछ वैल्यू स्टोर करनी है मेमोरी के अंदर, देन यू कैन यूज वेरिएबल्स। एंड वेरिएबल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको वेरिएबल्स में नहीं समझ में आता है देन आगे आप प्रोग्रामिंग कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो बेसिकली यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, दैट इज वेरिएबल। सो होप गाइस वेरिएबल कंसेप्ट अभी आपका क्लियर हो गया। तो आज के प्रैक्टिकल सेशन में, जो कि हमारा पहला प्रैक्टिकल सेशन था, बेसिकली देव C++ हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में मैंने बताया। फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैंने आपको समझाया, हाउ टू राइट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। एंड आफ्टर दैट वेरिएबल्स का डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा कि वेरिएबल्स कैसे हम डिक्लेयर करेंगे एंड कैसे हम वहां पे वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करेंगे या फिर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। नाउ वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात ये हो गया आपका वेरिएबल क्लियर। नाउ आगे के प्रोग्राम में अब देखिए, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू को असाइन किया है, बट अगर आपको सेम लाइन पे वैल्यू देना है जहां पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो इट इज पॉसिबल ऑल्सो लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। ओके, जनरली हम डिक्लेरेशन और असाइनमेंट अलग अलग लाइन पे लिख रहे थे अभी तक के पहले प्रोग्राम में, बट व्हेन आई डिक्लेयर द वेरिएबल, अगर मैंने उसी लाइन पे उसको वैल्यू असाइन कर दिया सो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। मतलब डिक्लेयर होते ही उसमें वैल्यू आ गया, सो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। बाद में नहीं दिया है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दिया तो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। बट अगर आपने वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लिया फिर और थोड़ी देर के बाद अगर आपने उसको वैल्यू दिया तो दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट। सो गाइस प्लीज नोट द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट एंड इनिशियलाइजेशन। असाइनमेंट मीन्स डिक्लेरेशन एंड आफ्टर दैट समटाइम्स आप उसको वैल्यू देते हो, दैट इज असाइनमेंट। बट जब आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर आप उसको वैल्यू दे देते हो तो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। सो बेसिकली ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। तो अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल असाइनमेंट एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, तो अब आपको बताते आना चाहिए। असाइनमेंट का मतलब है कि पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, फिर बाद के लाइन पे, मतलब नेक्स्ट लाइन पे बोलो या और थोड़ी देर के बाद बोलो, आप उसको वैल्यू असाइन करते हो, सो दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट। बट अगर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते ही उसी लाइन पे अगर वैल्यू दे दिया तो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। सो दैट्स इट फ्रॉम द वेरिएबल गाइस। आई होप आपको प्रॉपरली कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके,
और आज रुकते हैं, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिकल सेशन आते जाएंगे उनको भी कवर अप करते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।